वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। सो गाइस, कल आपका MDU CE का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसके बाद से ही आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स बनते हैं तो क्या हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे आपकी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ आपके मार्क्स आपका एडमिशन डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि बाकी जो लोग आपके साथ रेस में हैं, जिन्होंने आपके साथ एग्ज़ाम दिया है, उनके मार्क्स कितने आएंगे वो भी आपका एडमिशन डिसाइड करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं आपके क्वेश्चन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है तो आपकी मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा ईजी है तो मेरिट लिस्ट उतनी ही हाई जाएगी। तो उस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हो अपने साथ। जहाँ तक मैंने आपका इस बार का जो क्वेश्चन पेपर देखा लाइफ साइंस का MDU CE का, वो काफ़ी हद तक काफ़ी इजी ही था, तो मेरिट लिस्ट अब की बार भी काफ़ी हाई ही जाएगी। तो देखो, लाइफ साइंस में अगर हम देखें तो जो ट्रेंडिंग जो कोर्स हम बोलते हैं वो आपका एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी है। इन्हीं दो कोर्स के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी अच्छी खासी मेरिट लिस्ट या मार्क्स आते हैं, वो ही यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मार्क्स में भी आपका काम चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो एक दो दिन के अंदर आपकी जो मार्क्स लिस्ट होती है, मार्क्स लिस्ट मतलब जो मेरिट लिस्ट लगने से पहले एक लिस्ट आती है, उसमें सभी के मार्क्स होते हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके। तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उस मार्क्स लिस्ट से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर लास्ट टाइम के ट्रेंड की हम बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी में लास्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था लास्ट फिजिकल काउंसलिंग में, वो 60 मार्क्स तक भी हुए हैं। बट इस बार मेरे को लगता नहीं है कि 60 या उससे कम मार्क्स वालों के चांसेस होंगे कि जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन, बॉटनी या जूलॉजी में तो शायद ना भी हो पाए, बाकी कोर्सेज में हो सकता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक ही सजेशन है कि अगर आपको कोई और कोर्स मिल रहा है जहाँ पे आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, तो आप वहाँ पे एडमिशन ज़रूर ले लें। एडमिशन लेने के बाद भी आप वेट कर सकते हैं, जो बाकी लिस्ट आती है फिजिकल काउंसलिंग ऐसा कुछ होता है, अगर सीट वेकेंट रहते हैं तो आप उनको अटेंड ज़रूर करें, क्या पता लास्ट में आपका भी एडमिशन हो ही जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को काफ़ी डाउट था इन चीज़ों में। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी मार्क्स लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट से पहले एक लिस्ट आती है, उसी में आपके सभी के मार्क्स होते हैं जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होता है। तो उससे भी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि कितने मार्क्स वालों का एडमिशन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी कि आपकी कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी हाई जाती है, वो आपका एडमिशन डिसाइड करती है। मेनली अगर हम बात करें तो जो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही है, तो उसी से आपका डिपेंड होता है कि आपकी कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, तो वही आपका डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका मेरिट लिस्ट तक की बात की क्या कुछ होने वाला है। तो जल्दी ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, जो भी कोर्स मिले आप उसे पहले ले लेना अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं। बट लास्ट तक एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जो चीज़ हम कई बार सोचते शायद ना हो वो हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, लास्ट तक ट्राई ज़रूर करना, आपको आपकी पसंद का कोर्स मिल भी सकता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। MDU CE की जो सिलेबस को कवर करने वाली हमारी प्लेलिस्ट है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको कोई हेल्प चाहिए दैन यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर दैट पर्पज़। तो इसके बाद एडमिशन होने के बाद एक छोटी सी आपके लिए एक गाइडिंग वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आपका एडमिशन MSc जूलॉजी में हुआ है। देखो, ये मेनली जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड जूलॉजी का है तो मैं उन्हीं को बेटर गाइड कर सकता हूँ, यू कैन से। तो उन्हीं को हम ये बताएंगे कि आप शुरू से ही किन चीज़ों को फॉलो करना, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए या फिर आपको स्टडीज़ में हेल्प मिल पाए। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको वो वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट, यू विल गेट सीट इन योर चॉइस कोर्स, जो भी आपको कोर्स चाहिए, आपको उम्मीद है आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें।